सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष से आशीष करें। आइए प्रभु के वचन में से हम देखेंगे रोमिया 8 अध्याय उसके 14 वचन को। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें वो दिया है जो इस सब दुनिया में सबसे उत्तम है। प्रभु के लोगों, हमारे अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा भेजा है जो सर्वदा हमारे साथ रहता है, और हर दुख परेशानी संकट में वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए रोमिया 8 अध्याय उसके 14 वचन में हम देखते हैं जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज मसीह जीवन में चलते हुए बहुत से लोग परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के द्वारा नहीं चल रहे हैं। सो मेरा आपसे निवेदन है, आपके अंदर जो परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है उस आत्मा की आवाज़ को आप सुने, और उस पवित्र आत्मा की आवाज़ के द्वारा आप चलना शुरू करें और अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आशीष करें। सबको जय मसीह।